ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट जो नई सेंसिटिविटी हमारे इसमें आई हुई है जायरोस्कोप की। आपको पता होगा कि जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी 300 से 400 तक चली गई है। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम यही टेस्ट करेंगे कि कुछ इंप्रूवमेंट है उसमें या फिर जस्ट वो एक डिजिट्स उसमें बढ़ाई गई हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं गन में कोई भी अटैचमेंट नहीं लगा रहा। बेसिकली मैं यहाँ पे स्प्रे टेस्ट करूँगा 6x और 4x के साथ। और यहाँ पे आपको पता होगा कि 6x को जब हम 3x में रिड्यूस कर देते हैं, बेसिकली जो वही 6x का स्प्रे होता है वैसे बताया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे आप चेक करिए, जो मैंने सेंसिटिविटी नॉर्मल कर दी पहले अपनी, जितनी मैं यूज़ करता हूँ 3x की, 3x की सेंसिटिविटी मेरी रहती है 278 एंड जो 6x की मैं यूज़ करता हूँ वो थी 162 मेरी सेंसिटिविटी है। और उसके बाद 4x की तो 292 ही थी, बाकी सब मैंने 400 कर दी थी। कल भी मैं इसी सेंसिटिविटी में खेला था। सो या गाइस, यहाँ पे मैंने AKM में 3x, बेसिकली 6x लगा दिया, रिड्यूस करके 3x कर दिया। और यहाँ पे मैंने स्प्रे दिया। सो या गाइस, स्प्रे तो नॉर्मल ही था, जो सेंसिटिविटी मेरी पहले थी उसी का स्प्रे ही है, और जितना नॉर्मल रिकॉयल होता था वही था। एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट सही थी, AKM के साथ इतनी एक्यूरेसी आती नहीं है, बट हाँ वो थोड़ी एक्यूरेसी यहाँ पे मैंने मेंटेन की थी सेंसिटिविटी के साथ। सो या गाइस, अब मैं इसको 400 कर दूंगा और अब चेक करते हैं कि कुछ रिकॉयल में हुआ है। सो गाइस, एज यू कैन सी, रिकॉयल थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कम हुआ है, बट जो एक्यूरेसी है वो मुझे बहुत कम लगी। शॉट्स हर कहीं जा रहे थे, उसके मेरे पे कंट्रोल नहीं था। सो गाइस, अब M4 में हम ट्राई करेंगे इस चीज़ को। आप देख सकते हैं M4 में 3x का तो बहुत ही अच्छा रिकॉयल कंट्रोल है, होता ही नहीं है रिकॉयल। बट एज यू कैन सी, जो एक मुझे स्टेबिलिटी लगी गन की वो थोड़ी कम लगी, और जो शॉट्स है उसमें उतनी मुझे एक्यूरेसी लगी नहीं जितनी कि पहले मेरी सेंसिटिविटी में थी। सो या गाइस, मैं बिना ग्रिप के कर रहा हूँ तो शायद उससे हो सकता है थोड़ा बहुत हो। अब हम 4x की एक बार ट्राई करेंगे, आके यहाँ पे 4x को हम चेक करेंगे कि 4x में कुछ इंप्रूवमेंट है या फिर वही है, नॉर्मल सही है। सो गाइस, एज यू कैन सी, मैंने एक बार फुल 6x का ट्राई किया पहले, तो आप देख सकते हैं रिकॉयल काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कंट्रोलेबल है, बट उसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि एक्यूरेसी कम है। रिकॉयल तो है, कम कर दिया इन्होंने, बट मुझे एक्यूरेसी लगी कि एक्यूरेसी में थोड़ा कहीं कम था, शायद वो ग्रिप की वजह से भी हो सकता है। सो गाइस, अब 4x का ट्राई करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे अपनी जो सेंसिटिविटी है नॉर्मल सेंसिटिविटी पे स्प्रे दूंगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्प्रे था वो नॉर्मल था, कोई इतना मेरा है नहीं रिकॉयल का अभी 4x में, ट्राई कर रहा हूँ मैं। बट गाइस, एज यू कैन सी, मैंने 4x में किया। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि रिकॉयल तो काफ़ी हद तक कम हो गया है, बट फिर से वही एक चीज़ जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी, कहीं ना कहीं मुझे एक्यूरेसी में दिक्कत लगी। सो गाइस, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक सही है। रिकॉयल वगैरह कम हो जाता है, बट एक्यूरेसी के टाइम पे हमें थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा ग्रिप्स वगैरह लगा के। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू अराउंड।